PTI, I, PTI, I, PTI, I, PTI, I, PTI, I, PTI. जवाब सईद अब्बास से नाजी नाजी आज हम मौजूद हैं निजारे कायद कराची पर, जहां पर आवाम का जम्मे अफीर तो फिलहाल नहीं है। टाइम के साथ उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ जलसों के अंदर या तो लोग अपनी गाड़ियां सजा के लाते हैं या फिर लोग अपने मोटरसाइकिल सजा कर लाते हैं, लेकिन मेरे साथ एक कोचवान भाई मौजूद हैं कि जिन्होंने अपना टांगा ही सजा लिया और पी टी आई के जलसे में शरीक हो गए। आइए हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है। लाला, आपके जहन में ऐसी क्या सूझी कि आपने अपना टांगा ही सजा लिया? बस हमारा ये सोच है कि इधर पाकिस्तान में इमरान का हुकूमत आ जाए और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत खत्म हो जाए। अच्छा। हाँ, और बस। अच्छा मुझे अपने बताएं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाए और इमरान खान की हुकूमत आ जाए, तो इमरान खान की जब हुकूमत आ जाएगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा? अमेरिका जैसा मुल्क को धमकी दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो जलसे में अमेरिका जैसा मुल्क को धमकी दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन ग्राम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है इन्होंने कि इमरान खान ने अमेरिका जैसे मुल्क को धमकी दे के ललकार दिया है और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और ये कायद तब्दीली लेके आएगा। आप गाड़ी भी तो लेके आ सकते थे, आप ना टांगा ही लेके क्यों आ गए जलसे में? यार आवाज ज्यादा हो गया, मुझे काम करना था। इमरान खान की मोहब्बत में ये लेके आए और बस मजबूर से काम तो काम कर दिया गाड़ी के लोगों का, फिर भी मैं इमरान खान के लिए कराया। अच्छा मुझे बताएं, कभी इस टाइम आप देख रहे हैं कि जलसे में आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं? लोग इंशाल्लाह रोजे में जैसा की आपने कहा की धूप भी है, रोजा भी है, गर्मी की शिद्दत भी है, तो लोग जो गाड़ियों वाले, कोचों वाले, टूर भी